दोस्तों आपका स्वागत है नेक्स्ट ऑन टेक पर, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट स्मार्टफोन 10,000 की रेंज में, 15,000 की रेंज में, 20,000 की रेंज में, 25,000 की रेंज में, और ऐसे ही मैं आपको 50,000 तक की रेंज में जो है बेस्ट स्मार्टफोन बताने वाला हूँ, रेंज वाइज जो आपकी रेंज होगी उसके अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को यार ध्यान से देखना पूरा अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ उनकी स्पेसिफिकेशन और उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो जो है बेस्ट हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जो स्मार्टफोन जो है बेस्ट है 10,000 की प्राइस रेंज के अंदर, तो ये है यहाँ पे पोको का M2। इसमें आपको फुल HD प्लस की जो है डिस्प्ले देखने को मिलती है, MediaTek का हीलियो G80 प्रोसेसर देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 18 वोल्ट पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। और ये 11,000 का आता है वैसे, लेकिन अभी 10,500 का जो है इसका प्राइस होगा फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में। और अगर आपके पास जो है SBI का कार्ड है तो 10% डिस्काउंट करने पर ये जो है 9,500 का पड़ता है, जिसमें कि आपको 6GB रैम और 64GB स्टोरेज देखने को मिलती है। और बाकी अगर आप जो है यहाँ पे एक और स्मार्टफोन की तरफ जो है जा सकते हैं, वो है रियलमी का नार्जो 20। इसमें आपको जो है यहाँ पे MediaTek का हीलियो G85 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, साथ में जो है यहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 18 वोल्ट पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जो है इसका सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन का एक फुल है यहाँ पे जो है आपको HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, और पोको M2 में जबकि आपको फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो अगर आप जो है यहाँ पे स्ट्रीमिंग ज़्यादा करते हैं, वीडियो वगैरह ज़्यादा वॉच करते हैं, तो आपको पोको M2 ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस और कैमरा अच्छा देखने को मिलता है। ये आपकी चॉइस होगी कि आप दोनों में से कौन सा खरीदना पसंद करेंगे। और यहाँ पे इसकी प्राइस भी 10,500 ही पड़ती है आपको यहाँ पे अभी सेल के अंदर, और ये भी 9,500 का पड़ेगा अगर आप जो है यहाँ पे यूज करते हैं SBI का कार्ड। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो हम डालें तुरंत आपका उसकी नोटिफिकेशन आ जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। और दोस्तों बाकी यहाँ पे बढ़ते हैं 15,000 की रेंज में कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, तो यहाँ पे मैं आपको अनडाउटेडली कहूंगा कि रियलमी 7 आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है 15,000 की आपको प्राइस ही देखने को मिलती है, आपको यहाँ पे कुछ ऑफ नहीं देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जो है प्रोसेसर अच्छा देखने को मिलता है, आपको बैटरी 5000 mAh की देखने को मिलती है, G95 प्रोसेसर दिया गया है, साथ में आपको 30 वोल्ट पर फास्ट चार्जिंग दी गई है, और यहाँ पे आपको 90Hz की IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, और डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ी दी गई है आपको 6.5 इंचेस की, और यहाँ पे आपको 64MP का क्वाड रियर कैमरा भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसे ओवरऑल जो है बेस्ट स्मार्टफोन बनाती हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो है सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ रियलमी का एक और स्मार्टफोन आता है, रियलमी का नार्जो 20 प्रो। अगर आपके लिए 65W की फास्ट चार्जिंग जो है ज़्यादा अहमियत रखती है तो आप जो है उसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी जनरली जो है सारी स्पेसिफिकेशन आपको सिमिलर देखने को मिलती है आपको, बट यहाँ पे एक चीज़ का अंतर और देखने को मिलता है, आपको 48MP का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरा के लिए और सोच रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है ऑब्वियसली रियलमी 7 परचेज करिए, अगर आप यहाँ पे बैटरी चार्जिंग जो है आपके लिए बेस्ट चॉइस है तो यहाँ पे जो है आपके लिए रियलमी का नार्जो 20 प्रो ज़्यादा अच्छी चॉइस रहेगी। बाकी जो है दोनों स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे हैं, दोनों सिमिलर ही हैं, बट यही अंतर था दोनों स्मार्टफोन के अंदर। दोनों में से कोई सा भी आप परचेज करेंगे तो आपको पछतावा नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन हैं। और दोस्तों अगर आपको जो यहाँ पे MediaTek के प्रोसेसर अच्छे ही लगते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में MediaTek का प्रोसेसर दिया गया है, तो आप स्नैपड्रैगन का एक स्मार्टफोन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, पोको M2 प्रो। वहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का जो है 720G प्रोसेसर देखने को मिलता है, साथ में 6GB 128GB वाला जो वेरियंट है आपको 15,000 का देखने को मिलेगा सेल के अंदर, तो आप जो है वहाँ की तरफ भी जा सकते हैं। और वहाँ पर भी आपको 48MP का क्वाड रियर कैमरा और काफ़ी अच्छी डिस्प्ले 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, IPS LCD फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, और तो वो स्मार्टफोन भी जो है यहाँ पे ओवरऑल बेस्ट है। 33W की फास्ट चार्जिंग भी वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। बाकी ये ही 3 स्मार्टफोन हैं जो इस प्राइस रेंज के अंदर आते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी चॉइसिस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं इन तीनों में से कोई भी। और बाकी बढ़ते हैं यहाँ पे 20,000 के प्राइस रेंज के अंदर कौन बेस्ट है, तो यहाँ पे जो है मैं परफॉर्मेंस के लिए सिंपली यहाँ पे एक स्मार्टफोन को बोलना चाहूँगा, LG G8X। यहाँ पे LG G8X वैसे तो 70,000 का स्मार्टफोन है, बट LG ने जो है अभी जो है यहाँ पे बिग बिलियन डेज में सेल रखी है, और ये 19,900 का पड़ता है आपको
6128GB वाला वेरियंट, इसमें आपको डुअल स्क्रीन देखने को मिलती है, साथ में जो दोनों स्क्रीन है आपको OLED पैनल देखने को मिलते हैं, आपको 12+13MP का डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है, फ्रंट में आपको 32MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और सबसे मेन बात जो है यहाँ पे 855 Snapdragon का प्रोसेसर है, तो आप गेमिंग के लिए इस फोन को चूज कर सकते हैं। बाकी ये स्मार्टफोन जो है LG ने इसीलिए डिजाइन किया था कि यहाँ पे जो है एक स्क्रीन पे अगर कोई खेल रहा है तो दूसरी पे जो है स्ट्रीमिंग करते हुए भी वहाँ पे जो अपने यूजर्स की जो है चैट पे ध्यान दे सके, तो इस वजह से जो है यहाँ पे LG ने जो है डुअल स्क्रीन वाला स्मार्टफोन निकाला था। बट यहाँ पे जो है अगर बिग बिलियन डेज में ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है अगर यहाँ पे गेमिंग के लिए सोच रहे हैं तो, बट अगर आपके लिए यहाँ पे एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसका कैमरा भी अच्छा हो और बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा POCO X3। यहाँ पे आपको जो है स्नैपड्रैगन का 732G देखने को मिलता है, 120Hz की रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन देखने को मिलती है, 64MP का क्वाड कैमरा दिया गया है, 5000mAh की बैटरी है, 33W पर फास्ट चार्जिंग है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो है ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, और 20,000 के प्राइस रेंज के अंदर आपको 8128GB वाला इसका जो है वेरियंट देखने को मिलता है। और बाकी अगर आपके लिए जो है यहाँ पे एक AMOLED डिस्प्ले आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है, तो सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ आपको Realme 7 जो है एक चॉइस हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको जो है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर दिया गया है, प्रोसेसर थोड़ा डिग्रेड अगर POCO X3 में कंपेयर करें, बट सुपर AMOLED डिस्प्ले है, साथ में आपको जो है यहाँ पे 65W की जो है फास्ट चार्जिंग दी गई है, तो ये भी जो है उस स्मार्टफोन को जो है उसके लिए एक प्लस पॉइंट है। बाकी जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है तीनों ही स्मार्टफोन से गेमिंग के लिए सोच रहे हैं तो LG G8X, अगर आप ओवरऑल एक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो मैं कहूँगा POCO X3, बाकी अगर आपके लिए सुपर AMOLED एक चॉइस है और 65W फास्ट चार्जिंग, तो आप जो है यहाँ पे Realme 7 Pro की तरफ जो है जा सकते हैं। और दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे आप 25,000 की प्राइस रेंज के अंदर कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, तो यहाँ पे जो है अनडाउटेडली Realme का X3 सुपर जूम जो है आपको अभी सेल के अंदर जो है बिग बिलियन डेज में ये आपको 25,000 का पड़ेगा, वो भी 8GB 128GB वाला वेरियंट, जो कि अभी 27,000 या 28,000 का है था पहले सेल से पहले, लेकिन अब सेल में आपको 25,000 का अवेलेबल देखने को मिलता है। और इसमें आपको यार स्पेसिफिकेशन जो है फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, फ्लैगशिप ग्रेड आपको जो है स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, स्नैपड्रैगन का आपको 855+ का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 64MP का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है, और इंक्लूडिंग जो है आपको यहाँ पे टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिलता है, फ्रंट में आपको डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है 32MP+8MP का, तो आप जो है यहाँ पे सुपर वाइड सेल्फीज भी ले पाएंगे, और बाकी आपको यहाँ पे 30W पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, 42MAh की बैटरी, और आपको जो है यहाँ पे 120Hz का जो है फास्ट रिफ्रेश भी देखने को मिलता है, तो ये ऑल ओवर जो है यहाँ पे बेस्ट चॉइस है। बाकी अगर आपके लिए यहाँ पे अगर आप यार जैसे कि आप सोच रहे हो कि ये 4G डिवाइस है, बट यहाँ पे अभी जैसे जैसे अगले साल तक जो है पॉसिबली जो है 5G इंडिया में भी आ सकता है, तो आप यहाँ पे 5G डिवाइस लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे अनडाउटेडली OnePlus Nord जो है चॉइस हो सकती है। यहाँ पे 25,000 में 664GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है OnePlus Nord का, तो आप उसे जो है यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पे 30,000 के अंडर प्राइस रेंज में, तो यहाँ पे IQ3 5G जो है आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको फ्लैगशिप ग्रेड स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती हैं, और साथ में जो है यहाँ पे आपको ये 35,000 का पड़ता है 128GB वाले वेरिएंट अगर बिग बिलियन सेल से पहले, बट यहाँ पे बिग बिलियन सेल में आपको 30,000 के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 865 जो कि आपको 5G प्रोवाइड कराता है, आपको 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा, साथ में आपको 120Hz की जो है फास्ट रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, सुपर AMOLED पैनल देखने को मिलता है, साथ में जो है यहाँ पे आपको आप फ्रंट में 16MP का कैमरा देखने को मिलता है, 55W पे फास्ट चार्जिंग देखने को मिलते हैं, ओवरऑल ये भी स्मार्टफोन जो है यहाँ पे बेस्ट है। और यहाँ पे बात करें 40,000 के रेंज में कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, तो यहाँ पे जो है आपको तीन स्मार्टफोन की चॉइसेस मैं देना चाहूँगा। यहाँ पे जो है अगर आप एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको 5G का सपोर्ट भी देखने को मिले, तो यहाँ पे आपके लिए 37,000 का जो है Realme X50 Pro पड़ेगा, जो कि 42,000 के अराउंड देखने को मिलता था पहले बिग बिलियन सेल से पहले। यहाँ पे आपको जो है स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर जो 5G प्रोवाइड करा रहा है, साथ में आपको 64MP का क्वाड रियर कैमरा, 32+8MP का सेल्फी कैमरा, जिसमें कि आप जो है 8MP का अल्ट्रा वाइड है, तो आप अल्ट्रा वाइड सेल्फीज भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे 65W पे फास्ट चार्जिंग, 4200mAh की बैटरी और सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि ये आपके लिए ओवरऑल एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। और यहाँ पे मैं सेकंड चॉइस आपको देना चाहूंगा OnePlus 7T की। OnePlus 7T में इसलिए कहना चाहूंगा कि ये अपने टाइम पे यार
ओवरऑल एक बहुत अच्छा यहाँ पे ऑफरिंग था, बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे बस आपको 5G का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको फ्लूइड AMOLED दी गई है, साथ में आपको जो है यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 855 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिलता है, आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, 48MP प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, और साथ में आपको एक अल्ट्रा वाइड और एक टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपके कैमरा यहाँ पे मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा मिलता है आपको, साथ में आपको यहाँ पे डिस्प्ले जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जो है ये स्मार्टफोन भी काफ़ी अच्छा था इस प्राइस रेंज के अंदर। और बाकी यहाँ पे थर्ड चॉइस में यहाँ पे आपको देना चाहूँगा आईफोन XR की, जो कि अभी जो है बिग बिलियन डेज के दौरान ही 38,000 का हुआ है, और सिमिलर प्राइस में 38,000 का ही आपको जो 256 GB का जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 1+70, और जबकि यहाँ पे 64 GB वाला वेरियंट देखने को मिलता है आईफोन XR का। तो अगर आप यहाँ पे आईफोन परचेज करना पसंद करते हैं, आप एंड्रॉयड यूज़र नहीं हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि आपको 45,000 के अराउंड देखने को मिलता है वैसे आईफोन XR नॉर्मली, बट यहाँ पे बिग बिलियन डेज में आपको 38,000 का यहाँ पे ये देखने को मिलता है। और दोस्तों बात करें यहाँ पे 50,000 की प्राइस रेंज के अंदर कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, तो यहाँ पे मैं आपको 3 स्मार्टफोन सजेस्ट करूँगा। यहाँ पे जो है अगर आपके लिए परफॉर्मेंस चॉइस है तो आप Asus ROG Phone 3 के संग जा सकते हैं, जिसकी प्राइस 50,000 है, 865 प्लस का आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, 144Hz सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है 64MP का, और बाकी जो है यहाँ पे ये स्मार्टफोन स्पेसिफिकली डिजाइंड है गेमर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एक्सेसरीज देखने को मिल जाती हैं। बट अगर आप जो है एक नॉर्मल यूज़र हैं, आपको आप ज़्यादा गेमिंग पसंद नहीं करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको जो है सजेस्ट करूँगा 1+70 Pro। यहाँ पे 1+70 Pro इस प्राइस रेंज के अंदर बेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लूड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है 120Hz की, साथ में यार कुछ बंदों को यार नोच पसंद नहीं होती है और पंच होल भी पसंद नहीं होती है, उन्हें फुल डिस्प्ले स्मार्टफोन यूज़ करना पसंद होता है, तो 1+70 Pro में आपको पॉपअप सेल्फी देखने को मिलती है, तो आपके लिए इसलिए ये बेस्ट चॉइस हो सकती है। और साथ में जो आपको पीछे ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है उसमें आपको अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो दोनों ही लेंस प्रोवाइड किए गए हैं, साथ में 30W का फास्ट चार्जिंग है, और बाकी आप यार वन प्लस के UI को जानते हैं, ऑक्सीजन OS जो है वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हैं किसी से भी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है काफ़ी मिनिमलिस्टिक जो है या फिर सीमलेस जो है एक्सपीरियंस देखने को मिलता है जब आप इसे यूज़ करते हैं वन प्लस के किसी भी स्मार्टफोन को। बट यहाँ पे इसकी भी एक डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। वैसे तो ये स्मार्टफोन 52,000 या 53,000 का लॉन्च होता है, लेकिन अभी 43,000 का जो है यहाँ पे ये पड़ता है अभी। और यहाँ पे थर्ड चॉइस मैं आपको देना चाहूँगा 1+8 Pro की, क्योंकि यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर देखने को मिलता है, फ्लूइड AMOLED देखने को मिलती है 90Hz पे, बट यहाँ पे आपको कैमरा भी थोड़ा डिग्रेड मिलता है 1+70 Pro से, यहाँ पे आपको मैक्रो सेंसर दिया गया है, टेलीफोटो सेंसर नहीं प्रोवाइड कराया गया है। और अगर आप यहाँ पे 5G के लिए स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए 1+8 ज़्यादा अच्छी बेटर चॉइस होगी 1+70 Pro के कंपैरिजन में। बाकी मैंने आपको तीनों ही स्मार्टफोन की चॉइस दे दी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज़ कर पाएंगे तीनों में से कोई सा भी स्मार्टफोन। और दोस्तों बाकी आप यहाँ पे 1+80 को भी यूज़ कर सकते हैं, 1+80 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और 1+8 से सिमिलर स्पेसिफिकेशंस हैं, थोड़ी सी अपग्रेडेड है, और आपको बस यहाँ पे 1,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो 43,000 के अराउंड का जो आपको ये स्मार्टफोन पड़ता है, तो आप इसे भी जो है परचेज कर सकते हैं 1+8 की जगह, और यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर आप काफ़ी टाइम से एप्पल पे स्विच करने की सोच रहे थे, तो यहाँ पे एप्पल की तरफ से आईफोन 11 पे जो है काफ़ी अच्छा ऑफर देखने को मिलता है आपको, 47,999 का ये डिवाइस देखने को मिलता है, 64GB वाला वेरियंट ये भी आपको अवेलेबल देखने को मिलता है, तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो ये भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ स्मार्टफोन जो कि अपनी प्राइस रेंज के अंदर बेस्ट है, और मैंने आपको सबके यार डिटेल्स बता दी कि क्यों वो जो है अपनी प्राइस रेंज के अंदर बेस्ट है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यार यहाँ पे बिग बिलियन डेज और अमेजन प्राइम डेज में काफ़ी सारे लोग जो स्मार्टफोन परचेज करने की सोचते हैं, तो अपने दोस्तों या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बने रहें नेक्स्ट जन टेक के साथ, फ्यूचर में अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी।